जय श्री कृष्ण। आज हम सूत्र मेसु बंतु पवित्रा बनावे को देखेंगे। सूत्र मेसु पवित्रा बनाना तो लगभग सबन को आतो ही होवे हैं, लेकिन अभी भी कई न्यू जनरेशन है जो न्यू कमिंग जो वैष्णव है पुष्टि मार्ग में, तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होवे कि कितने तार को पवित्रा बनना चाहिए, कितनी गांठ लगनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो या लिए एक छोटो सो प्रयास करवे को प्रयत्न कर रहे हूँ। और दूसरी बात ये कि अपने यहाँ जनरली सिंगल तार को जो सूत्र को धागा मिले हैं वामेसु पवित्रा बनाया जाए है, तो वामेसु बन तो जो पवित्रा है वो बहुत ही मुलायम और कोमल सिद्ध हुए हैं, जो ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर सुहावे या तरह को। लेकिन आज देखो जाए तो कई जगह पे लगभग बड़े सिटीज़ को छोड़ के ऐसे सिंगल तार को जो सूत्र है वो नहीं मिले हैं। सब जगह पे तीन तार को जो पूजा बाकी दुकान होवे हैं वहाँ पे जो तीन तार को जो सूत्र मिले हैं वो ही मिलते होवे हैं। तो लोगन को कई वक्त ऐसो देखियो जाए कि नहीं मिले हैं, या लिए बाजार में सो तैयार पवित्रा पधरा लेवे और प्रभु को धरा देवे हैं। तो ऐसो नहीं करके हमें तीन तार को जो सूत्र को धागा मिले हैं वो जानू मैं कि बहुत मोटो आवे हैं, लेकिन वामेसु भी पवित्रा बहुत सुंदर सिद्ध होवे हैं। देखियो जाए तो अभी जो मशीन्स में जो धागा बने हैं या लिए सूत्र जो पतलो जो सिंगल तार को आवे वो मुलायम होवे हैं, बाकी पहले के जमाने में तो ऐसो कच्चो सूत्र ऐसो मोटो वालों ही आतो हतो और वामेसु ही सब लोग पवित्रा सिद्ध करते हते। तो अगर आपके पास सिंगल तार वालों जो सूत्र है वो नहीं मिल रहे हो मुलायम वालों, तो ऐसो जो तीन तार को जो सूत्र मिले हैं जो पूजा बाकी दुकान में मिले हैं वो आप वापर सको, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वामेसु भी सुंदर ही पवित्रा सिद्ध हो गए हैं। और जो सूत्र के जो पवित्र है वो हमें एक बात को ध्यान रखना कि अप्रस में ही सिद्ध करें, क्योंकि ये अपनी मुख्य सेवा है, पूर्ण वर्ष की जो सेवा है वो गिनी जाए है। और दूसरी बात ये कि फिर पवित्र सिद्ध हो जाए फिर हम याकू केसर के जल में भिगो हुए हैं, तो या लिए सूत्र के पवित्र कभी भी हम सिद्ध करें तो अप्रस में ही सिद्ध करने चाहिए। और देखिए हम याकी बनाने की विधि, और मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिए, तो आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं तो आपको देखते मिलेंगे। तो देखिए हम याकी बनावे की विधि। यहाँ पर मैंने सूत्र को धागा तीन तार को लियो है, तो तीन तार को जब इस सूत्र को धागा लेवे तो हमें 120 आटा लगाने हुए हैं। तो 120 आटा लगावेंगे तो 360 तार को पवित्र अपना सिद्ध होवेगा। अगर एक सिंगल धागा वालों सूत्र लेवेंगे तो हमें 360 गिनती करनी है। कई लोग पूछे हैं कि 365 तार को सिद्ध करनो या 360 को, तो हमें एक बहुत ही सरल बात है कि हम सनातन धर्म से हैं तो हमें 360 दिन गिनने हैं, 365 दिन नहीं गिनने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल पे भोग चौकी जैसे ऐसे कोई टेबल हो वाकई ऊपर मैंने बड़ी साइज़ को एक तपीला रख दिया है, तो इतनो बड़ो साइज़ को अगर हम तपीला रख देवे तो गादी जी पर आसानी से धर सके, इतनो बड़ो सिद्ध होवे हैं पवित्रा। और बारस के दिन गुरुदेव को भी हम धरा सकें। यहाँ पर मैंने एक लोटी ली है, अगर हम ऐसे हाथ में लेके आपको लपेटेंगे तो ये पूरा सूत्र को धागा है वो डड़ा है वो बिखर जाएगा और आसानी नहीं रहेगी लपेटवे में, तो या लिए हमें याकु या तरह से लोटी में पधरा देना है। और अब यहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक भाग जो है एक छेड़ा थोड़ा ऊंचो रखना है, तो हमें ध्यान रहेगा कि एक तार हम एक जो राउंड है वो कंप्लीट भयो के नहीं, तो या तरह से हमें 120 तार करने हैं, तो 120 राउंड लेने हैं या के। तो थोड़ा पार्ट को एडजस्ट कर लेना कि जासू राउंड बराबर लगे। अब हमें सिर्फ तपेली को गोल गोल घुमानी है, एक दो बार थोड़ो हमें पकड़ के रखना है, फिर सिर्फ तपेली को ही घुमानी रहेगी। ये जो ऊपर हमने एक छेड़ा रखे है यासु हमें गिनती रहेगी कि हमारे कितने आटा भये हैं, तो अपने तीन आटा भये हैं। अब हमें ऐसे पकड़ के सिर्फ तपेली को घुमाना है और गिनती करते जानो है, और मन में अष्टाक्षर को स्मरण चालू रखना है हमें। या तरह से आपको पवित्रा जो है बहुत सारे स्वरूप विराजते हो या घर के हर एक सदस्य को पवित्रा सिद्ध करने हो तो या तरह से करेंगे तो आपको पवित्रा बहुत जल्दी सिद्ध हो जावेगो।
अब देख सको कि सिर्फ मैं तपेली घुमाऊ हूँ और एक हाथ सू मैंने धागा को हल्के हाथ सू पकड़ के रखियो है। अब हमारा 120 राउंड है वो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ सु हम हाथ सु ही ये सूतर को छांट लेंगे। और अब हम ये पूरा जो यहाँ पे लपेट जो है वो निकाल लेंगे। या तरह से पूरा हमने निकाल लिया है बाहर। और अब यहाँ पर मैंने सुई धागा को परो लिया है, कॉटन को नॉर्मल धागा होए वो ही परोवे को। और अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अगर आप गांठ बांधना चाहो तो 24 गांठ बांध सको हो, और गांठ नहीं बांधना चाहो और यहाँ में वर्ल लेनो चाहो, आंटी चढ़ानो चाहो तो ऐसे भी कर सको हो। तो मैं यहाँ आंटी चढ़ानो दिखाऊंगा कि कैसे करवे को। तो यहाँ पर हमें जो सुई धागा को जो धागा को एंड है वहाँ पे दो गांठ लगानी है, एकदम अच्छे से कड़क गांठ लगा लेवे की। और अब हम ऐसे पास ऑन करते जावे को है सुई को यहाँ में सु, और खींच तो जावे को छोटे छोटे मणका हो तैयार वैसे करनो है। या तरह सु हमें लहर जैसे मणका करने हैं, फिर हम रिवर्स जावेंगे। या तरह से पूरा कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ में आधे में ही लगाया है क्योंकि मैं ये यही पवित्रा में से ये वर्ल्ड खोल के फिर मैं गांठ लगानो भी दिखाऊंगा, तो सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आधे में अभी किया है। तो अभी जब ही हम ये पूरा कंप्लीट कर लेवे ऐसे वर्ल्ड लेवे को, फिर हमें उल्टो रिपीट आनो है। तो एक अच्छे से चौकड़ी जैसी डिज़ाइन भी पड़ेगी और ये जो जो तार है या के सूतर के वो अच्छे से कड़क बैठ जावेंगे। तो ऐसे फिर उल्टो आवे को तो याद रहसु। अगर आप वर्ल्ड चढ़ानो चाहो धागा सु तो ऐसे कर सको हो। अब मैं ये वर्ल्ड निकाल लूँगो और गांठ कैसे करनी 24 गांठ वो दिखाऊँगो। तो वर्ल्ड मैंने खोल ली है और सूतर के ही धागे के मैंने ऐसे छांट ली है छोटे छोटे। अब ऐसे मैंने खोल लियो है या पवित्रा को, तो अब ऐसे समझ वे को कि ये पार्ट में 12 गांठ लेनी है और ये पार्ट में 12 गांठ लेनी है, आधे आधे में 12-12 गांठ गिननी है, तो अपनी 24 गांठ हो जाएगी। तो अपने करने में भी सरलता रहेगी और मणका एक सरीखे होवेंगे, छोटे बड़े नहीं होवेंगे हो सके उतने। तो यहाँ से हम गांठ लेवे को शुरू करेंगे। गांठ कड़क लेवे की, और अब जो एक्स्ट्रा वालो जो सूतर है यहाँ में वो छांट लेवे को। ध्यान रखना है कि हमारा जो यहाँ को जो 360 तार वालो जो धागा है वो कहीं से भी
वाक में सीजर लग जाए और छांट ना लेवे हम, टूक ना हो जावे कोई भी धागा की, वो सावधानी हमें रखनी है। अभी एक यहाँ पे ले लेना है, अब दो हमने ले लिए सामने सामने, अब 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 11 और 11 22 23 और 24, ऐसे अपने 24 गांठ हो जाएगी। तो आगे की भी प्रोसेस यही प्रकार से करनी है। या तरह सु मैंने यहाँ 24 गांठ लगा ली हैं और प्रयत्न करवे को कि एक सरीखे डिस्टेंस में हम 24 गांठ लगावे। तो ये अपना पवित्र तैयार हो गया, थोड़े याकू ऐसे खींच लेवे को। और फिर यहाँ पर मैंने केसर को अच्छे से घोंट लियो है, केसर थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में केसर या में वापरवे को तो बढ़िया रंग आवे है। केसर को जल सिद्ध करवे के लिए एक लोखंड की तवी को अच्छे से गैस पर गर्म कर लेनो, और फिर तवी गर्म हो जावे फिर गैस बंद कर लेनो, गैस चालू नहीं रखनो है। गैस बंद हो जावे फिर वहाँ में हमें आधे ग्राम जितनो केसर पधरा देवे को, और आधी मिनट से भी कम समय के लिए हमें चम्मच से याकू भून लेवे को, और फिर याकू कटोरी में लेके और फिर खरल से याकू घूंट लेनो जल पधरा के, और ऐसो घोल तैयार कर लेवे को। ज़्यादा जल नहीं लेवे को, यहाँ मैंने पाव कटोरी जितनो ही जल लियो है आधे ग्राम केसर में। अब याकू या में भिगोवे को है, अब याकू ऐसे ही छोड़ देवेंगे और ऐसे ही सिर्फ कर लेवेंगे तो ऊपर से तो केसरी रंग आ जावेगो लेकिन अंदर से सारे तार सफ़ेद रह जावेंगे। तो या लिए हमें यहाँ पे याको निचोड़नो है, या तरह सु निचोड़ लेवे को एकदम सु, अंदर तक जल जावे फिर याको यो निचोड़ लेवे को जैसे हम कपड़ा नीचोवे, फिर याको या में पधरावे को। और अब याको जल में भिगवे देवे को 12-15 घंटा के लिए, या में ही छोड़ देवे को, और फिर याको हमें सुखा देनो है। और ये जो सेवा है जल वाली वो हमें अप्रैल में ही करनी है क्योंकि जल को भाग आ रहे है, और भले एक पवित्र आप सिद्ध करो लेकिन जो रीत के पांच है वो तो करने ही है, लेकिन कोई फैंसी ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सूतर को पवित्र है और बादला को पवित्र, फिर जो गुजराती पवित्र है, मंडका के पवित्र, ये जो सारे प्रकार के पवित्र है वो हमें सिद्ध करने हैं, तो वामे कोई में तो अप्रस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो केसर वालों जो हम पधरावे हैं वो तो अप्रस में ही करना चाहिए। कई घर में या के ऊपर केसरी रेशम लपेटियो जाए हैं और कई घर में केसर में भिगवे जाए हैं। तो अब मैं याकू सुखावे के लिए रख दूंगा। सुखावे के पहले हमें यामेसु एक्स्ट्रा जो जल है वो निचोड़ लेवे को है। फिर भी आप देख सको कि आमे अच्छे सु बढ़िया सु चंपाई रंग आयो है, तो याकू हम सुखा देवेंगे कोई दोरी के ऊपर या किसी भी शुद्ध जगह पे। पंखा के नीचे हम याकू 8-10 घंटा सुखावेंगे तो बढ़िया सु सूख जाएगा। याकू धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो याकू जो रंग है वो उड़ जाएगा, केसर को रंग है वो। तो या तरह सु हमने जो सूतर को पवित्र है वो सिद्ध करवे को एक सरल प्रकार देखियो है।